AIR न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नांदेड़ ज़िले में कोरोना वायरस तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस के मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए ज़िला इंतजामिया की जानिब से 8 दिनों का लॉकडाउन ज़िले भर में नाफिस किया गया है। नांदेड़ ज़िले में ये लॉकडाउन इतवार की रात 12 बजे से नाफिस किया गया, जो 12 जुलाई तक 20 जुलाई तक नांदेड़ ज़िले में लॉकडाउन बरकरार रहेगा। आज लॉकडाउन का पहला दिन नांदेड़ शहर में जगह जगह पुलिस अफसरान व मुलाजमीन तैनात किए गए। शहर में गैर ज़रूरी घूमने वाले अफराद के खिलाफ पुलिस मुलाजमीन ने भारी जुर्माना आयद किया और बिलावजह घूमने वालों पर पुलिस सख्ती से पेश आई। आज नांदेड़ के ज़िला कलेक्टर डॉक्टर विपिन इटनकर ने लोगों से अपील की कि वो अपने घरों में ही रहे, गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकले, इंतज़ामिया की मदद करे। ब्यूरो रिपोर्ट नांदेड़। नांदेड़ जिले के जिलाधिकारी श्री इटनकर साहब ने 12 तारीख से 20 तारीख तक संचारबंदी लागू करने का आदेश किया है। इसके वजह से हमारे इतवारा पुलिस स्टेशन में 4 नाकाबंदी पॉइंट लगाए हैं। बरकी चौक है, शास्त्री मार्केट है, देगलू नाका है और बापना टी पॉइंट है। ये सब नाके पे एक एक अधिकारी और 4-4 कर्मचारी और ट्रैफिक के कर्मचारी हमने पूरा लगाया है। जो भी इस संचारबंदी का उल्लंघन करेगा उसके ऊपर धारा IPC 188 की तरफ कार्रवाई हो जाएगी और जो भी 2-व्हीलर 4-व्हीलर रिक्शा पे आएंगे उसके ऊपर मोटर व्हीकल के तहत कार्रवाई हो जाएगी। और विदाउट मास्क और जहाँ भी फ्रूट का गाड़ा दिखेगा, कोई दुकान चालू दिखेगा, उसके लिए हमारे साथ सहायक आयुक्त डॉक्टर ऐसुद्दीन साहब महानगर पालिका का पतक है, वो कार्रवाई करेंगे। हम सब पब्लिक से रिक्वेस्ट करते हैं, ये पूरा 8 दिन का लॉकडाउन है, इसके अंदर घर के बाहर मत आइए, को किसको भी अलाउ किया नहीं, जो भी आएगा उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगा।